फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान वी आर गोइंगी आर गोइंग टू लर्न टूज सिलेबस द कॉप एंड द एंथम आइस ब्रेकर्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेट्स बिगिन सपोज यू हैव गॉन टू प्लेस फायर द विंटर सीजन इज वेरी सीवियर

आई विल यूज़ रूम हीटर टू कीप माई सेल्फ वार्म या फिर मैं रूम हीटर का इस्तेमाल करूँगा अपने आप को गर्म रखने के लिए आई विल एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू कीप बॉडी वाम मैं कम अज़ कम आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगा ताकि अपने जिसम को अपनी बॉडी को वाम रख सकूँ गर्म रख सकूँ उसके बाद आई विल सर्च अ वाराम शेल्टर टू रेमेन वाम या फिर मैं एक गर्म जगह को ढूंढूंगा ताकि अपने आप को गर्म रख सकूं यानी गर्म शेल्टर यानी कोई घर मकान कोई छुपने की जगह कोई जहाँ पर आप सो सके या कोई जैसे कि रात्रि निवारा होता है वैसी जगह पर वेन यू सी ए कॉप अप्रोचिंग यू फील आई दर रिलीव डॉस्ड यानी अगर आपके पास कोई कॉप आता है यानी पुलिस मैन आता है तो आप क्या करेंगे आप उसको रिलीव आप रिलीव होगा यानी आप इतमान महसूस करेंगे और स्केर्ड या डर जाएंगे तो इसमें दो तो अलग अलग पॉइंट है रिलीव्ड रिलीव्ड यानी इतमान हो जाना यू आर वॉकिंग अलोन इन अ डार्क स्ट्रीट एंड यू सी अ पुलिस मैन अगर आप अकेले स्ट्रीट में जा रहे हैं तो आप एक पुलिस मैन को देख आपको क्या लगता है दूसरा है, स्केर्ड स्केर्ड यानी डर जाना यू आर राइडिंग अ बाइक विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने किसी पुलिसमैन को देखा है और आप एक बाइक ड्राइव कर रहे हैं जिसे यहाँ पर आपके साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप क्या होगा चलिए देखते हैं पहला रिलीव्ड यानी आपको इतमान कब होता है यू आर वॉकिंग अलोन इन अ डार्क स्ट्रीट वन आई एम वॉकिंग अलोन इन अ डार्क स्ट्रीट आई सी पोलिस मैन आई रिलीव्ड वन आई मिस्ड माई वे अगर मैंने अपना रास्ता भूल गया तब भी मुझे क्या होगा आई फील रिलीफ वेन आई सो थीफ अगर मैंने किसी चोर को देख लिया और अचानक कोई मुझे पुलिस मैन नज़र आया तो फिर मुझे भी इतमान होगा वन आई वॉज़ वॉन्ड्रिंग एंड लॉस्ट इन द डार्कनेस जब मैं भटक रहा हूँ इधर उधर घूम रहा हूँ और मैं अंधेरे में गुम हो जाऊँ और अचानक मुझे कोई पुलिस मैन नज़र आ जाए तो मुझे रिलीफ महसूस होगा वेन आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्ट्स अचानक मुझ पर कुछ लुटेरियों ने हमला कर दिया रॉबर्ट्स ने हमला कर दिया और मुझे एक पुलिस मैन नज़र आया तो क्या होगा मैं भागता हुआ पुलिस मैन की तरफ जाऊंगा और आई विल फेन आई विल फील रिलीफ और आई फील रिलीव्ड स्कैर्ड यानी डर कब महसूस होता है व्हेन आई वाज ड्राइविंग अ बाइक विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जब मैं वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर अगर गाड़ी चलाऊँगा तो मुझे डर लगेगा स्केर्ड होंगे मैं वैन आई ब्रोक द सिग्नल एट द क्रॉसिंग अगर मैं सिग्नल तोड़ दूंगा तब भी मुझे आ, डर महसूस होगा अगर मैं पुलिस वाले को देखूंगा। व्हेन आई वाज ड्राइविंग अ बाइक ट्रिपल सीट अगर मैं तीन लोगों को साथ में लेकर ट्रिपल सीट अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तब भी मुझे अचानक पुलिस वाला नज़र आ जाए तो फिर मुझे थोड़ा सा डर महसूस होगा वेन आई वॉज़ ड्राइविंग अ कार रॉन्ग साइड अगर मैं कार रॉन्ग साइड ड्राइव करूँगा तब भी मुझे क्या होगा तभी मुझे पुलिस वाले को देखूंगा तो डर महसूस होगा डिस्कस सम ऑफ द मोटिवेटिंग थिंग्स डैट कैन चेंज अ पर्सनल्स लाइफ यानी आपको आपकी ज़िंदगी जो है बदलने वाली ऐसी कोई मोटिवेशनल चीज़ है क्या जो आप बोल सकते हैं कि इससे आपको आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं लिसनिंग टू एन इंस्पायरिंग स्पीच अगर आपने कोई इंस्पायरिंग स्पीच सुने तो आपको मोटिवेशन मिलता है मोटिवेशनल थिंग्स डैट चेंज लाइफ लिसनिंग टू एन इंस्पायरिंग स्पीच रीडिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पर्सन यानी कामयाब कहानियाँ कामयाब लोगों की जैसे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है या धीरू भे अम्बानी के बायोग्राफी है वो पढ़ेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा इन्वाल्विंग इन सोशल वर्क एक्टिविटीज़ अगर आप सोशल वर्क एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तब भी रिलीफ में आपको अच्छा लगेगा आपको काम करने का हौसला मिलेगा अटेंडिंग करियर डेवलपमेंट से सेमिनार जब आप करियर डेवलपमेंट के सेमिनार अटेंड करते हैं तब भी आपको आ, कुछ मोटिवेशन मिलता है कि हमने भी कुछ करना चाहिए वाचिंग मूवीज़ ऑफ़ इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन थीम्स यानी ऐसी मूवीज़ देखना है जिसमें इंस्पिरेशन मिलता है जैसे कि स्वदेश चक दे इंडिया दंगल भाग मिलखा भाग ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड बाय